ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन के बाहर जो वाइन शॉप है, अब वहाँ के विजुअल्स हैं और कतारें काफ़ी लंबी हैं यहाँ पर। और आपके सामने आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रश आपको देखने को मिल रहा है। ये लंबी कतारें जो हैं, ये सभी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि इनकी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का एक बड़ा अच्छा जो है बनाया गया है। और जिस तरह से गांधीनगर में उधर जगह कम होने के कारण जो है वहाँ पर इतना पॉसिबल भी नहीं था कि इस तरह हो, यहाँ पर थोड़ी सी जगह ज़्यादा है तो उस कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा पालन भी हो सकता है। तो इसी चीज़ के चलते हुए आप ये देखिए कि रश आपके सामने है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान यहाँ मौजूद हैं, खुद त्रिकुटा नगर SHO यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अगर कोई यहाँ पर उल्लंघन करेगा तो यहाँ पर खुद पुलिस यहाँ पर मौजूद है, किसी को भी उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर काफ़ी देर से लाइनों में खड़े हुए हैं, ये विजुअल्स आपके सामने जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो वाइन शॉप है वहाँ पर, और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है ताकि कोई भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का जो है उल्लंघन ना करे और किसी को भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये लाइनें लगी हुई हैं और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का उल्लंघन ना हो जम्मू के अंदर। और हमारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं यहाँ पर ताकि कोई भी उल्लंघन ना कर पाए यहाँ पर। Oh,
भैया कितनी देर से लगे थे लाइन में? 2 घंटे सर। 2 घंटे से आज ठीक हो गया, खुल गई, काफ़ी देर से बंद थी। सर बहुत बढ़िया हो गया, आज जब से लॉकडाउन हुआ है कुछ नहीं मिला। और आज बॉटल्स इकट्ठी कर सर, पता नहीं ना कल बंद हो जाए फिर। कितनी बॉटल्स ली आपने? सर मैंने 8 बोतल ली है। 8 बॉटल्स ली। कितनी प्रॉब्लम आ रही थी वाइन शॉप बंद होने के बाद? सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और लोग ब्लैक में 2025 की बेच रहे थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो 50% बढ़े हैं रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर यही राशन के या फिर किसी खाने के सामान पे रेट बढ़ जाए तो लोग तो प्रदर्शन करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आ रही? ना, कोई परेशानी नहीं आ रही सर। खाने के रेट पे बढ़ जाए तो परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तब भी नहीं? कोई परेशानी नहीं। चलिए, दुकानें तो खुल गई है, 50% रेट भी बढ़ गया है, लेकिन अगर यही खाने की सामान के ऊपर 50% रेट बढ़ा हो तो लोग सड़कों पर आ जाए, हाहाकार मच जाए। लेकिन शराब के ऊपर रेट बढ़ा है तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये, और आप देखें यहाँ पर, और मैं काबिले तारीफ़ करूँगा हमारे जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, पुलिस पूरी तरह से उसका ध्यान रखे हुए हैं। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, मैं एक बार ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन लोग करें। यहाँ पर ये दुकानदारों ने जो है सर्कल बनाए हैं, और इन्हीं सर्कल्स के बीच में ही लोग खड़े हैं, और हमारे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं से जितने भी लोग हैं वो सब लोग जो हैं इस चीज़ का भी खास ध्यान रखे हुए हैं कि इस चीज़ में कोई भी जो है बीच में सोशल डिस्टेंस को जो है उसका उल्लंघन ना करें। ये आपके सामने आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइनें, और रेट 50% बढ़े भी हैं लेकिन फिर भी कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। भैया कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर। हाँ मैं। हाँ भी मैं राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान का। तो आज कब से लगे लाइन? हो गया 1 घंटा हो गया पीछे से लगा था। ठीक हो गया, आज दुकानें खुल गई? हाँ ठीक। कितनी दिक्कत आ रही थी दुकानें बंद होने की वजह से? ठीक है भाई, पी लेंगे शराब। पीने शराब पीने वाले हैं वीरे। तो इतने दिन पी या फिर ब्लैक? बाकी राशन वगैरह मिल रहा है? मिल रहा है, सब जगह से मिल रहा है राशन। कोई कमी तो नहीं आ रही घर में? नहीं नहीं। फैमिली बच्चों को सब ठीक है? सब। आज से पहले भी कमी नहीं आ रही थी? नहीं नहीं। राशन मिलता रहा है आपको? मिलता है। बहुत अच्छी बात है, राशन मिलता रहा है लोगों को, और ये अच्छी बात भी है, और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये चीज़ भी जानने की आखिरकार राशन वगैरह भी मिलता था कि नहीं मिलता था। सर के नाम तो मेरा नाम है करना पर आप दुनिया को। हाँ जी, बाकी ले कुछ बाकी आ लेंगे। क्या नाम है थोड़ा जी? आज सवेरे सवेरे आए लाइन च लगे लगे भाई, थोड़ा दूर दूर होना, कोल कोल नाल नाल नहीं खड़ोना, सोशल डिस्टेंस पता है, इन्ना दूरी रखनी है। गल सुनो ना, किन्ने दिन दी अज जिहड़ी बंद ही, किन्नी परेशानी आ रही? कोई परेशानी नहीं, ठीक है सब कुछ। 50% रेट भी बधाए ने, ठीक कीता? ठीक कीता, ठीक कीता। अगर कोई राशन रूशन पर 50% वधन ते तुहानू ओफी कोई तकलीफ नहीं? ओ भी प्रॉब्लम नहीं है? आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तो राशन परेशानी नहीं है। तो ये लाइन देख लें, एक इनके कुछ साथी पार भी हैं जो लोग या तो किसी को पैसे देते हैं कि आप ले आओ हमारी जगह, तो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पर जो है खास इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये रेलवे स्टेशन का जो
रेलवे स्टेशन के बाहर जो वाइन शॉप है वहाँ से आप विजुअल्स देख रहे हैं, और उन विजुअल्स के हिसाब से आपके सामने यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है। और रुकिए रुकिए, इधर आइए इधर आइए। से इनसे बात करते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा फिर रहने दीजिए, फिर रहने दीजिए। तो देखिए जी किस तरह से रश यहाँ पर है, लोग चाहे मुंह छुपा के ही खड़े हैं लेकिन खड़े जरूर हैं। और जिनको यहाँ पर शराब की बोतलें मिल रही हैं वो तो यहाँ से भागते हुए ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई लॉटरी निकल गई हो। और ये देखिए तो फिलहाल ये विजुअल्स हैं। आज जम्मू में कई इलाकों में जो है आज शराब की दुकानें खुली हैं और उसके बाद रश आपके सामने है, लेकिन एक सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और पुलिस इस तरह से काम कर रही है, उनको भी अपने काम करने में कोई दिक्कत ना आए इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। और आज जिन जिनको तो अभी तक मिल चुकी है उनके लिए तो चांदी है, लेकिन फिर भी कई लोग निराश भी लौट रहे हैं। जिस तरह से गांधी को निराश लौटना पड़ा। देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली कैमरामैन, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।